हाय एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं हूँ आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक और मेडिकल कॉलेज के बारे में जिसका नाम है एमएमसी मुजफ्फर नगर जो कि मेडिकल कॉलेज है और अगर हम बात करें इसके एफिलिएशन के बारे में तो ये अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन हुआ है साथ ही साथ में एम यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको रेकग्निशन भी मिला है स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो टू थाउजेंड सिक्स इसको स्टैब्लिश कराया गया था एंड uh, बात करते हैं इसके ओनरशिप के बारे में सो इट इज अ प्राइवेट ओन्ड कॉलेज एंड हॉस्पिटल तो जो इसका हॉस्पिटल है और कॉलेज है वो एक ही कैंपस में है एसोसिएटेड है वहीं पर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर कितने हैं तो आप एमबीबीएस के साथ-साथ एमडी -साथ और एमएस भी कर सकते हो डिप्लोमा कोर्सेस भी हैं सो so वहीं पर नंबर ऑफ सीट्स फॉर द एमबीबीएस डिग्री इज 150 तो यहाँ पर एम बी बी एस के लिए कुल वन फिफ्टी सीट है वहीं पर अगर हम बात करें पीजी कोर्सेस के लिए तो कुल यहाँ पर सेवेंटी सीट्स है सो so, ओवरऑल अगर हम इनटेक देखें स्टूडेंट्स का एनुअली इन द फील्ड एमबीबीएस फॉर द एमबीबीएस कोर्स तो यहाँ पर वन फिफ्टी सीट्स है वहीं पर पीजी के लिए कुल सत्तर सीट्स हैं ठीक है जिसमें से कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अगर आप एम करना चाहते हो तो आप एनस्थिशोलॉजी तो में कर सकते हो एनाटॉमी में कर सकते हो जनरल मेडिसिन में कर सकते हो जनरल सर्जरी पैथोलॉजी में कर सकते हो आप देन रेडियोलॉजी में कर सकते हो फार्मिकोलॉजी में कर सकते हो तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप एम या फिर आप एम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है तो चलिए बात करते हैं फीस के बारे में मतलब कुल मिलाकर के कितनी फीस आपकी पड़ सकती है आपके साढ़े पाँच साल की इस अंडर ग्रेजुएट डिग्री में तो लगभग लगभग आप मान के चलो पचास लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सक्लूडिंग योर अदर एक्सपेंसेस रहने खाने का खर्चा तो आप देखते हैं कौन सी एग्जाम के बेसिस एडमिशन मिल सकता है नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा ठीक है अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग कट ऑफ होता है आपकी रैंक के हिसाब आप से आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या नहीं राइट right, uh, बात करते हैं इसके हॉस्पिटल के बारे में सो अराउंड फिफ्टी प्लस बेड्स यहाँ पर अवेलेबल है एंड मोर देन 24 एकर्स से भी ज्यादा के उसमें ये बना हुआ है कैंपस ओवरऑल जो उसका हॉस्पिटल है और मेडिकल uh, कॉलेज है राइट right? फैसिलिटीज के बारे में बात करें अगर हम स्पेसिफिकली तो यहाँ पर हॉस्टल्स हैं जहाँ पर आपको बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग मिलेगा राइट right? uh, अगर हम हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज रहती 24 7, है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ब्लड बैंक है देन आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं इवन uh, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका मिलता है कि आप यू नो डॉक्टर के डॉक्टर्स जो हैं उनके अंडर आप प्रैक्टिस करो अपने प्रैक्टिकल्स करो राइट right? तो उनको ये मौका दिया जाता है इंट्रैक्ट करने का And, uh, जो जो का एक साल बचता है तो तो पर बहुत सारे students होते हैं हैं। हैं कि अपने ही institution से internship करना करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो लेट्स अगर आपने 12th पास किया है तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स होना जरूरी है आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द एम एलिजिबिलिटी वहीं पर आपके फिफ्टी परसेंट होना जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपके फोर्टी फाइव परसेंट होना जरूरी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एंड अगर आप लेट से पी एच कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी कि फिजिकली हैंडी कैप्ट तो आपके मिनिमम फोर्टी परसेंट होना मार्क्स जरूरी है ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फॉर द एमबीबीएस बट अगर आप लेट से एम डी आई एम एस करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है ये ये चीज़ तो सेम है ट्वेल्थ में बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में एम बी बी एस की डिग्री होना चाहिए विथ फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स के साथ एंड आफ्टर दैट आपको नीट पी जी भी क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आपने नीट पी जी क्वालिफाई नहीं किया है तो फिर आप एम डी एम एस नहीं कर सकते हो अच्छा एक और चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये रहता है कि यार हमें मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा या नहीं बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेजेस में जो है वो सीट्स बच जाती है ठीक है तो अब सीट्स बचने के बाद में मेरिट लिस्ट निकालते हैं लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस कॉलेज के बारे में बात करें तो यार नीट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो सकता है अब अलग अलग कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज कुछ कोटा वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करता है ऊपर नीचे बट अगेन कुछ जो कट ऑफ है वो फिक्स रहते हैं जैसे कि अगर आप लेट्स uh, से आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका परसेंटाइल पे आना जरूरी है नीट में एग्जाम है 265 तो आपके आने जरूरी है लेट्स से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके फिफ्टी परसेंटाइल होना जरूरी है आउट ऑफ सेवन तो ये कुछ ऐसे कट ऑफ है जो कि फिक्सड रहते हैं बट अगेन अलग अलग कोटाज होते हैं तो उनके बेसिस पे थोड़ा बहुत कट ऑफ जो है वो वेरी करता है राइट सो so, अगर आपको कुछ डाउट है क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो हम बात करें एम एम मुजफ्फरनगर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश का जाना माना रिनाउंड कॉलेजेस में से एक है जिसका हॉस्पिटल के बारे में भी हमने बात की है और साथ ही साथ में इसके मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बात की है अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम आप यानी कि नीट एक्सप्रियस के लिए लेकर के आए हैं जो आ आने वाली काउंसलिंग में, you know, में so, यू है? है so, नहीं, नहीं सुना कि नीट प्रोडिक्टर क्या है तो प्लीज आप लोग नीट प्रोडिक्टर के जाकर के वीडियोस देखो आपको मिल जाएंगे चैनल पे तो मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है नीट प्रिडिक्टर को जब आप परचेज करोगे तो आपको अपनी नीट की रैंक डालनी है एक तरफ और दूसरी तरफ डालनी है अपनी कैटेगरी बस खेल खत्म प्रिडिक्टर आपको एम बी बी एस लिस्ट निकाल के देगा एमबीबीएस के कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें की आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अपनी रैंक के हिसाब से किन किन एमबीबीएस कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ ड्यूरिंग द नीट काउंसलिंग ठीक है तो ये आपकी पहली लिंक हो गई नीट प्रिडिक्टर की जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहीं पर दूसरी लिंक है नीट काउंसलिंग कोर्स के बारे में जिसमें कि हमारे जो काउंसलर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि भाई तुमको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तुम्हारी रैंक पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल जाएगा उसका कितना कट ऑफ है अगर तुम किसी कोटा में आते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है जितनी भी अपडेट न्यूज़ uh, होती है लेटेस्ट न्यूज़ होती है नीट से रिलेटेड वो आपको उस कोर्स में जाने को मिलेगा तो उसके लिए बिना सोचे समझे प्लीज एनरोलमेंट करा लो ठीक है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड उसके अलावा कोई सवाल है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड कोई आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ पूछना है किसी के बारे में पूछना है तो बेधड़क कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और अगर ये वीडियो पसंद आया है सो गिव इट अ लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलेगा मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.